सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है ना मंगल वो करती है सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शुभ मंगल सावधान में आज बात जल थल और नव की करेंगे। हिंदुस्तान जमीन आसमान और समंदर में ऐसा सुरक्षा चक्र बनाने की तैयारी में है जिसे तोड़ने का कोई दुश्मन सोच भी नहीं सकता। भविष्य की चुनौतियों को भांपते हुए भारत अपनी तीनों शक्तियों को नई ऊंचाइयां देने में जुटा है। वायुसेना की शक्ति बढ़ाने के लिए भारत को अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी का गौरव हासिल हुआ। दो फेज में हुए इस युद्धाभ्यास में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन जैसी कई ताकतवर देश शामिल हुए। वहीं ओमान की जमीन पर भारत कल से एक युद्धाभ्यास की शुरुआत भी कर रहा है। ये युद्धाभ्यास दोनों देशों के बीच सैन्य तालमेल बढ़ाने की मिसाल बनेगा। आकाश और जमीन के साथ साथ समंदर में हिंदुस्तान की ताकत को और बढ़ाने के लिए रोबोटिक सबमरीन बनाने की तैयारी है। ये सबमरीन बड़ी खामोशी से दुश्मनों की पनडुब्बियों और जहाजों को नेस्तनाबूद करने में सक्षम होगी। खास बात यह भी होगी कि इस रोबोटिक पनडुब्बी के ऑपरेशन में किसी जवान की जान जोखिम में नहीं पड़ेगी। भारत ने अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास की मेजबानी करके पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, जापान जैसे तमाम देश इस मेगा एक्सरसाइज का हिस्सा बने। दो फेज में हुआ ये युद्धाभ्यास आज अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। इस मौके पर रक्षा मंत्री और एयर चीफ मार्शल के साथ कई देशों के वायुसेना प्रमुख भारत की अद्भुत वायु शक्ति के गवाह बने। अनंत आसमान में अदम्य शक्ति का प्रमाण, ताकतवर हवाई योद्धाओं की प्रचंड दहाड़, साहस शक्ति और शौर्य की मिसाल। जोधपुर के आसमान में हिंद के हवाई लड़ाकों ने जाबाजी की इबारत लिखी तो पूरी दुनिया की निगाहें इन्हीं पर टिक गईं। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के आखिरी दौर का हरेक पल बेमिसाल रोमांच एहसास से भरा था। जोधपुर एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एचआर चीफ मार्शल भी वायुसेना के इस पराक्रम के गवाह बने। भारत के इस मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, यूएई, ग्रीस और श्रीलंका की एयरफोर्स ने हिस्सा लिया। जोधपुर में यह तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का दूसरा फेज था। इससे पहले तमिलनाडु के सुलूर में तरंग शक्ति का पहला फेज 14 अगस्त को संपन्न हो चुका है। पिछले करीब दो हफ्ते से जोधपुर में भारतीय वायुसेना सात देशों की एयरफोर्स के साथ आसमानी युद्ध का अभ्यास कर रही है। अब तरंग शक्ति फेज 2 के आखिरी चरण में ये कार्यक्रम भारतीय वायुसेना के युद्ध कौशल के प्रदर्शन का मौका था। इस एयर एक्सरसाइज में आज वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने आसमान में हरतंकेश करतब दिखाकर साबित कर दिया कि भारतीय वायुसेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वायुसेना में शामिल है। सारंग हेलीकॉप्टर टीम ने इस ऊंची उड़ान से दर्शकों को हैरत में डाल दिया। आकाश में सीधी उड़ान के बाद अचानक 180 डिग्री पर घूमकर वापस लौटना कोई आसान काम नहीं। ऐसा सिर्फ बेहद हुनरमंद हेलीकॉप्टर पायलट ही कर सकते हैं, लेकिन सारंग हेलीकॉप्टर टीम की काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया मानती है और ये उड़ान इसका प्रमाण है। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में वायुसेना के इस अद्भुत प्रदर्शन की रक्षा मंत्री ने भी तारीफ की। आप लोग पिछले कुछ दिनों से जो एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसका जो प्रिसीजन मैं देख पा रहा हूँ, वह बताता है कि इसके पीछे आपकी कितनी मेहनत, कितनी लगन और कितनी निष्ठा रही है। आपकी एक्सरसाइज को देखते हुए मुझे गौरव की अनुभूति होती है तथा इस बात की भी आश्वस्ति होती है कि जब भी आवश्यकता होगी आप उम्मीदों से कहीं आगे बढ़कर राष्ट्र के लिए अपना शानदार प्रदर्शन करेंगे। वायुसेना का युद्धाभ्यास भारत की गगन शक्ति के साथ साथ रक्षा में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल भी बना। स्वदेशी तकनीक से भारत में ही बना तेजस इस पूरे युद्धाभ्यास का हीरो साबित हुआ। आज के कार्यक्रम में भी तेजस ने बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया।
भारतीय वायुसेना की पहली मल्टीनेशनल एक्सरसाइज तरंग शक्ति जोधपुर में संपन्न हुई। इसका दूसरा फेज जोधपुर में शुरू हुआ था और लगातार 15 दिन तक 8 देशों के फाइटर्स ने एक साथ जोधपुर के आसमान में उड़ान भरी। लेकिन भारत का तेजस यानी भारत का अपना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इन सभी विमानों पर भारी रहा। तेजस ही नहीं, स्वदेशी प्रचंड हेलीकॉप्टर ने भी आज आकाश में अपनी बेमिसाल उड़ान की तस्वीर पेश की। ये हेलीकॉप्टर अब दुनिया के सबसे ताकतवर कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों में अपनी अलग पहचान बना चुका है। ये हेलीकॉप्टर हवा में एक जगह रुककर चारों दिशाओं में ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। आसमान में सीधा गोता लगाकर ये दुश्मन को चकमा दे सकता है। टारगेट पर हमला करने के बाद ये अचानक आसमान में उछल हो जाता है। तेजस और प्रचंड आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बन चुके हैं, लेकिन रक्षा में आत्मनिर्भर भारत का दायरा यहीं तक सीमित नहीं है। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर आत्मनिर्भर भारत की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक डिफेंस एविएशन एक्सपो लगाया गया है। पिछले कुछ सालों में भारत का पूरा फोकस आत्मनिर्भरता पर है और अपनी जरूरतों के लिए देश में ही इस तरह के डिफेंस सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं। ये प्रदर्शनी जो तरंग शक्ति में लगाई गई है, आईडेक्स है यानी इंडियन डिफेंस एविएशन एक्सपो, और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग तरह के जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, इक्विपमेंट हैं, डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सब यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं और ये सब कुछ भारत में निर्मित हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एम का यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट है भारत का, उसके मॉडल्स भी लगाए गए हैं और ये बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में इसका प्रोटोटाइप तैयार कर लिया जाएगा। तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ भारत बढ़ रहा है और हर तरफ आप जहां देखें डिफेंस इक्विपमेंट है, चाहे वो DRDO के हो या फिर वो DPSUs के हो या फिर प्राइवेट कंपनियां जो स्टार्टअप्स हैं भारत की, उनके भी यहां पर इक्विपमेंट लगाए गए हैं। ये निर्भय मिसाइल आप देख सकते हैं, ये तपस ड्रोन सिस्टम्स हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें जो भारत में बनाई जा रही हैं रिसर्च और टेक्नोलॉजी के जरिए भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, चाहे वो भारत की सेना हो, वायुसेना हो या फिर नौसेना हो, यहाँ दूर दूर तक वो सब कुछ डिस्प्ले किया गया है। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के दूसरे चरण में भारत के साथ विदेशों के कुल 70 फाइटर जेट्स ने आसमान में अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। इस युद्धाभ्यास के दौरान भारत के शक्तिशाली फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टरों ने आसमान में अपनी काबिलियत साबित की। भारतीय वायुसेना तेजस, राफेल, सुखोई, मिराज, जगुआर फाइटर जेट्स के साथ साथ प्रचंड ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टरों के साथ इस एक्सरसाइज में शामिल हुई। C-130 हरकुलस, IL-78 जैसे आसमान के बाहुबली भी इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बने। तरंग शक्ति पहला मौका था जब ग्रीस की वायुसेना के F-16 फाइटर जेट्स युद्धाभ्यास के लिए हिंदुस्तान पहुंचे थे। तरंग शक्ति मेगा युद्धाभ्यास में वायुसेना के जवानों को दुनिया के दूसरे वायु सैनिकों की काबिलियत परखने का मौका मिला। ये युद्धाभ्यास भविष्य में आने वाले चुनौतियों के लिए वायुसेना को पहले से तैयार करने की एक अहम पहल साबित हुई। बाकी कंट्रीज के साथ पार्टिसिपेट करते हैं तो आप अपने इक्विपमेंट की कैपेबिलिटी टेस्ट करते हैं, तमाम तरीके के एयर में कौन से मैन्यूवर करने हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं, और जितने आपके इंस्ट्रूमेंट आपके ऑन बोर्ड हैं उसके बारी बारी से टेस्टिंग की जाती, उसकी ऑप्टिमम कैपेबिलिटी को टेस्ट किया जाता है, उसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी, उसकी एक्यूरेसी को ग्राउंड पे चेक किया जाता है। इसलिए इस तरीके की एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है। और जब आप बाकी बाहर के कंट्रीज के साथ इसके एक्शन में करते हैं तो उनके एवियोनिक्स में क्या अलग तरीके की सुविधाएं हैं, उसको किस तरीके से आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का पहला फेज 6 अगस्त से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलूर में चला। पहले फेज में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान और स्पेन की वायुसेना शामिल। इस दौरान कई देशों के वायुसेना प्रमुख भी तरंग शक्ति का हिस्सा बने। हिंदुस्तान में एक साथ इतने देशों का युद्धाभ्यास इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तरंग शक्ति के जरिए भारत ने इन सभी मुल्कों को एक साथ लाकर पूरी दुनिया में अपनी अहमियत का प्रमाण दे दिया। इस तरीके की ज्वाइंट होती और एक्सरसाइज होती और इतने सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो एक तरीके का ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है।
एक तरीके की सॉलिडारिटी दिखाता और साथ में दुश्मनों को ये मैसेज देता है जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं या इन कंट्रीज के साथ उनकी दुश्मनी होती है, तो उनके एक क्लियर कट मैसेज दिया जाता है कि अगर आपने कोई मिस एडवेंचर किया तो ये सारे के सारे कंट्री एक साथ एक दूसरे की मदद करके आपके ऊपर भी उतने भीषण तरीके से आक्रमण कर सकते हैं। देखिए, युद्ध में तमाम तरीके की मदद मिलती रहती है। हिंदुस्तान या पाकिस्तान का युद्ध होता है या हिंदुस्तान चाइना का युद्ध होता है या दोनों फ्रंट पे होता है, तो जब हिंदुस्तान अपने कॉम्बैट में जाएगा तो उसको तमाम तरीके की मदद मिलेंगी। मित्र देशों से मदद मिलेंगे, हथियार मिलेंगे, एयरक्राफ्ट मिलेंगे, बॉम्बर्स मिलेंगे, तो उनको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या उसकी कैपेबिलिटी होगी, तो इन सारी चीजों को पीस टाइम में रह के आप कोऑर्डिनेट करते हैं, उनकी प्रैक्टिस को समझते हैं, उनके एवियोनिक्स को समझते हैं, उनके आर्मामेंट को समझते हैं, उनके हथियारों के जो एडवांटेजेस हैं, जो स्पेशलिटी उसको समझते हैं, तो एक क्लियर कट मैसेज दिया जाता है कि कोई भी दुश्मन कंट्री किसी भी तरीके का मिस एडवेंचर इन ग्रुप ऑफ कंट्री के अगेंस्ट ना करे। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास मित्र देशों के साथ सैन्य तालमेल बढ़ाने का बेहतरीन मौका था। इस युद्धाभ्यास के दौरान आधुनिक सैन्य तकनीक और युद्ध की नई रणनीति पर भी मंथन हुआ, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर ये सभी देश एकजुट होकर दुश्मन को हर मोर्चे पर परास्त कर सके। जोधपुर से शिवानी शर्मा के साथ वीरा रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आसमान में तरंग शक्ति का पराक्रम है तो जमीन पर सेना ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को अंजाम दे रही है। कल से भारतीय सेना ओमान में युद्धाभ्यास का आगाज कर रही है। 27 सितंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में ओमान की रॉयल सेना के साथ भारतीय सैनिक जमीन से आसमान तक अपने पराक्रम का परचम लहराएंगे। युद्धाभ्यास के दौरान आतंकी खतरों से निपटने का अभ्यास किया जाएगा। भारतीय सेना यहां रेतीली जमीन पर अपने अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेगी। से तहल उठेगा। 13 सितंबर से भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह का आयोजन होने जा रहा है। ओमान के सलालाह में मौजूद रबकू ट्रेनिंग एरिया में दोनों देशों के जाबाज 27 सितंबर तक अपनी काबिलियत का जौहर दिखाएंगे। ओमान की रेतीली जमीन अगले 15 दिनों तक इन दोनों सेनाओं के हैरत अंगेज करतबों से थर्रा उठेगी। इस युद्धाभ्यास में दोनों मुल्कों की सेनाएं एक दूसरे के साथ युद्ध कौशल की बारीकियां साझा करेंगी। रेतीली जमीन पर दुश्मन से मिलने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने अनुभवों को बांटेगी। पाकिस्तान से सटी भारत की पश्चिमी सीमा के एक बड़े हिस्से की जमीन रेतीली है और भारतीय सेना को ऐसी जमीन पर युद्ध का लंबा अनुभव है, जिसके गुर को वो ओमान की रॉयल सेना के साथ शेयर करेगी। इस युद्धाभ्यास का एक अहम पहलू आतंकवाद के खिलाफ युद्ध है। आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जाए और कैसे आतंकी ठिकाने को निस्तनाबूद किया जाए, करीब 2 हफ्ते तक चलने वाले संयुक्त युद्धाभ्यास में इस सब कुछ देखने को मिलेगा। दोनों देशों की सेनाओं के संयुक्त अभ्यास में सैनिकों में पेशेवर बातचीत और आपसी समझ विकसित करने पर जोर है। संयुक्त कमान की स्थापना, ऑपरेशन नियंत्रण और आतंकवादी खतरों का खात्मा करने का अभ्यास किया जाएगा। संयुक्त अभ्यास काउंटर टेररिज्म पर केंद्रित होगा। संयुक्त मोबाइल वाहन चेक पोस्ट, संयुक्त घेरा डालने का अभ्यास, तलाशी अभियान चलाने जैसे युद्ध कौशल के तरीके भी अपनाए जाएंगे। इस तरीके की जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के माध्यम से जो राष्ट्र अपनी इंटर ऑपरेबिलिटी को भी बेहतर बनाते हैं और भारत और ओमान के बीच में जो रक्षा का जो सहयोग है वो लगातार प्रगाढ़ और गहरा हो रहा है।
और जाहिर है कि इस तरीके की जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के माध्यम से भारत और ओमान आतंकवाद के विरुद्ध गंभीर से गंभीर तरीके से और बेहतर से बेहतर तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ने का संकल्प व्यक्त कर रहे हैं। भारत और ओमान के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास का ये पांचवा चरण है। दोनों मुल्कों के बीच युद्धाभ्यास की शुरुआत 2014 में हुई थी। इसका आयोजन हर 2 साल पर होता है, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें बाधा आई थी, जिसकी वजह से इस मिलिट्री एक्सरसाइज का चौथा चरण 2022 में हो सका था। भारतीय सेना के साथ साथ भारतीय वायु सेना भी ओमान के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज करेगी। ओमान के मसीरा वायु स्टेशन में ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज की जाएगी। युद्धाभ्यास की शुरुआत 11 सितंबर से शुरू हो चुकी है और 22 सितंबर को इसका समापन होगा। भारतीय वायुसेना के दल में MiG-29 जगुआर लड़ाकू विमान और C-17 परिवहन विमान अपने क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज का ये 7वां संस्करण है। इस युद्धाभ्यास का मकसद भारतीय वायुसेना और रॉयल ओमान एयरफोर्स के बीच अंतर संचालन क्षमता और सामरिक कौशल को बढ़ाना है। ऐसे युद्धाभ्यास से दोनों सेनाओं में आपसी समझ और सहयोग की भावना और बढ़ सकेगी। भविष्य में अगर किसी दुश्मन ने कोई चुनौती पेश की तो दोनों सेनाएं मिलकर उसका मुकाबला कर सकेंगी। इस युद्धाभ्यास से दोनों सेनाओं को एक दूसरे से बेहतर तालमेल बनाने का मौका तो मिलेगा ही, आपसी रिश्ते भी बेहतरीन होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तीन तरफ से समंदर से घिरे हिंदुस्तान के लिए समुद्री चुनौतियां भी 3 गुना बढ़ जाती हैं। समंदर की सरहदों को महफूज रखने के लिए भारत लगातार अपनी समुद्री ताकत को बढ़ा रहा है। समुद्री सुरक्षा चक्र को मजबूत करने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा भी लिया जा रहा है। इसकी ताजा मिसाल है रोबोटिक पनडुब्बी। इस मानव रहित पनडुब्बी के निर्माण को सरकार की हरी झंडी मिल चुकी है। इसके साथ ही नौसेना बहुत जल्द प्रेडेटर ड्रोन और राफेल मरीन फाइटर जेट से भी लैस होने वाली है। दुश्मनों पर करेगा घातक वार, गहरे पानी में गोता लगाने का दम, लहरों को चीरने का हुनर और हिंदुस्तान की सरहदों की निरंतर निगरानी की क्षमता। तीन तरफ से समंदर से घिरे हिंदुस्तान की समुद्री सीमा की हिफाजत के लिए नौसेना को एक ऐसा योद्धा मिलने जा रहा है जो पलक झपकते दुश्मन का पानी के अंदर ही कर देगा काम तमाम। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना को मानव रहित सबमरीन बनाने की मंजूरी दे दी है। ये प्रोजेक्ट 2500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। इससे भारत मानव रहित युद्ध के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने मानव रहित पानी के अंदर चलने वाले जहाजों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सूत्रों के मुताबिक एक्स्ट्रा लार्ज श्रेणी के ये जहाज 100 टन से ज्यादा वजन के होंगे। ये जहाज दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों पर हमला करने में सक्षम होंगे। इससे पानी के अंदर भारत की ताकत बढ़ेगी। नौसेना इनका इस्तेमाल दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों पर हमला करने, बारूदी सुरंगें बिछाने और हटाने, निगरानी करने और हथियार लॉन्च करने जैसे कई कामों के लिए करेगी। भारतीय नौसेना अगले कुछ महीनों में इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी करेगी। भारतीय जहाज निर्माण कंपनियां आत्मनिर्भर भारत के तहत MEK-1 प्रक्रिया के तहत बोली लगाएंगी। नौसेना ऐसे जहाज चाहती है जो लंबे समय तक पानी के अंदर रह सके, साथ ही ये जहाज तट से दूर रहकर काम कर सके ताकि संदिग्ध जहाजों और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सके। भारतीय नौसेना इस साल के अंत तक 3 पनडुब्बियों राफेल मरीन फाइटर जेट और MQ-9B ड्रोन की डील फाइनल करने की तैयारी में है। मझगांव डॉकयार्ड में बनाई जा रही 3 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों से नौसेना की ताकत में कई गुना बढ़ोतरी होगी, क्योंकि चीन समंदर में अपनी ताकत काफी तेजी से बढ़ा रहा है। 40,000 करोड़ रुपए की इस डील में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसी साल दूसरा सौदा INS विक्रांत एयरक्राफ्ट करियर के लिए 26 राफेल M लड़ाकू जेट की खरीद का है। नौसेना ने परियोजना को जल्द से समाप्त करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। भारतीय नौसेना चाहती है कि एयरक्राफ्ट करियर पर ये विमान तैनात हों, जिससे समुद्री मोर्चे पर अपनी ताकत और बढ़ाई जा सके।
फ्रांस की कंपनी से फिर से बातचीत शुरू की जाएगी। तीसरा सौदा है अमेरिका से 31 MQ-9 ड्रोन खरीदने का। यह करीब 32,000 करोड़ रुपए की डील होगी। इस डील को अक्टूबर के अंत तक पूरा करने की तैयारी है। यह ऐसा हथियार है कि दुश्मन को पता चलने से पहले ही उसका खात्मा कर सकता है। इसे किसी भी तरह के मिशन पर भेजा जा सकता है, जैसे सर्विलांस, जासूसी, सूचना जमा करना या फिर दुश्मन पर चुपके से हमला करना। ये ज्यादा वक्त तक और ज्यादा ऊंचाई से निगरानी करने में सक्षम है। इसका रेंज 1900 किलोमीटर है। ये अपने साथ 1700 किलो वजन का हथियार ले जा सकता है। इसे दो कंप्यूटर ऑपरेटर्स ग्राउंड स्टेशन पर बैठकर वीडियो गेम की तरह इसे चलाते हैं। इस ड्रोन की लंबाई 36.1 फीट, विंग स्पैन 65.7 फीट और ऊंचाई 12.6 फीट होती है। ड्रोन का खाली वजन 2,223 kg होता है। ड्रोन में 1800 किलोग्राम ईंधन की क्षमता होती है। इसकी गति 482 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो 50,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन को देखकर उस पर मिसाइल से हमला कर सकता है। आमतौर पर 25,000 फीट की ऊंचाई पर इसे उड़ाया जाता है। भारतीय नौसेना खुद को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार कर रही है, ताकि वक्त पड़ने पर उसके योद्धा अपने करिश्मे से दुश्मन के नामो निशान तक मिटा सके। नौसेना मानव रहित जहाजों पर तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे जहाजों का इस्तेमाल दुश्मन के बड़े जहाजों और संपत्तियों को नष्ट करने के लिए किया जाता रहा है। नौसेना मानव रहित लंबी दूरी की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश में लगी है। इसके लिए नौसेना ने MQ-9B और दृष्टि हरमेस 900 जैसे ड्रोन शामिल किए हैं। भविष्य में और भी ड्रोन शामिल करने की योजना है। रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी श्वेता ठाकुर दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।